दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी जो होता है वो पे नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है। आप में से काफी सारे लोगों का ये कंसर्न था कि सर मैं एक मॉल में गया, वहां पर मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दिया गया, वहां पर बताया सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जब मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया तो उस पर लिखा हुआ है कि 499 रुपीस प्लस जीएसटी 18% ये जो है आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को तो फ्री ऑफ कॉस्ट बताया गया था, अब मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा। किसी किसी के पास जो है 5,000 का जो है स्टेटमेंट में आ जाता है कि ये एनुअल फी आपको पे करनी पड़ेगी, जबकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया जिसमें एनुअल फी ऐड है और आपने उस कार्ड का मतलब जब आपको कार्ड वो मिला था तो उसमें आपको बताया गया था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आप ये सोचते हैं कि अब मैं जो है इसका पेमेंट नहीं करूंगा, एनुअल फी आप सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, आप पेमेंट ही नहीं करते, आप ईगो पे ले लेते हैं कि जो है मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा, या आप मेल करते हैं या जो भी जो है इस कार्ड को बंद कराने की कोशिश करते हैं कि इसको बंद कर दो, लेकिन जो वो चार्ज है वो आपको पे करना ही पड़ता है। क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है कि इससे क्या प्रॉब्लम होती है पहले ये समझते हैं। देखिए अगर आपने एनुअल फी पे नहीं करा तो वो एक तरीके से ये माना जाता है कि आपने जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ उसका पेमेंट आपने नहीं किया। इससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा वो डाउन होगा। आप यहां पर ये देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि ये जो है मेरे एक सिविल रिपोर्ट का एक क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी गई है, यहाँ पर जो है एक नीचे जो है ओवरड्यू लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो है मतलब कितना बैलेंस है, कब ये ओपन हुआ था, कितने टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। अगर मैं एनुअल फी पे नहीं करूँगा तो क्या होगा, जो आप ओवरड्यू देख रहे हैं यहाँ पर वो 500 रुपये की ओवरड्यू जो है लग जाएगी। साथ ही साथ मैं जितने दिन डिले करता जाऊंगा वो एक एक दिन का हिसाब, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि 3 दिन का डिले है, फिर उसके बाद 33 डेज का डिले, तो एक एक जो डिले है वो सारी अपडेट होती चली जाएगी और आपका जो क्रेडिट स्कोर मान के चलिए आपने काफी मुश्किल से उसको बनाया है तो वो गिरता चला जाएगा आपके एनुअल फी पे ना करने की वजह से। देखिए दोस्तों अगर आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड देता है, अगर आपको फेक जो है आपको सेल करके मतलब दे देता है कि हाँ आप जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ले लीजिए, तो सबसे पहले आप वहाँ के कस्टमर केयर से बात कीजिए या मेल कीजिए या आप जो है डायरेक्टली जो है उनसे पहले ये कंफर्म कर लें कि देखिए जब आप ब्रोशर जॉब होता है आपको पता है कि मिलता है तो उसमें एक बार ये चेक कर लेना कि इस कार्ड का एनुअल फी ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं एनुअल फी है कि नहीं। अगर कोई गलत सेल कर रहा है, और क्योंकि जाहिर सी बात है मॉल वगैरह में हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वही एक कॉल आती है रिकॉर्डेड लाइन में कॉल रहती है तो उसमें जो है आपको सारी बातें बताई जाती है, लेकिन जब आप कहीं वर्बली जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको ना बताए और आपको वो कार्ड दे दें। अब कार्ड आप दे देंगे तो वो आपके गले पड़ जाएंगे, तो उससे क्या है आपको कि अगर आप एनुअल फी पे नहीं करते हैं तो इससे क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है। आप ईगो में ले लेते हैं और आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इससे जो है आप ही को नुकसान होगा। सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ यही हो सकता है कि जितना एनुअल फी है उतना ही आप पे कर दीजिए और उस कार्ड का मिनिमम बस आप यूज कीजिए, जहां जहां आप या पेट्रोल वगैरह में यूज कर सकते हैं या ग्रोसरी वगैरह में आप उसका यूज कीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है आप एनुअल फी भी पे कर रहे हैं और उसका कोई यूज ही नहीं किया आपने उस कार्ड का, तो आप जितना जितना है उतना यूज कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाद में उसको आप क्लोज करवा दीजिए, इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी ठीक रहेगा। अगर आप उसका मान के चलिए 500 पे करके भी कार्ड को बंद करा देते हैं या 400 पे करके भी कार्ड को बंद करा देते हैं तो उससे भी कोई आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप वही उसका डिले करते जाएंगे तो उससे जो है आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर एनुअल फी पे नहीं करेंगे तो क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर इससे होगा क्या, मैं नहीं पे करता तो ये लोग मेरा क्या कर लेंगे। देखिए करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि 500 रुपये के चक्कर में जब आपको 500,000 रुपये की लोन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर पर ये दिखाएगा कि ये आपका इम्पैक्ट है जिसके वजह से मतलब बैड इम्पैक्ट है जिसके वजह से हम आपको लोन नहीं दे सकते, तो वो 500 रुपये के चक्कर में 500,000 का लोन रिजेक्ट होगा तो उससे जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा अगर हो चुका है आपके साथ ऐसा तो आप उसका पेमेंट कर दे, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा कि आपको फ्यूचर में लोन क्या कोई भी फाइनेंस जो है वो इजिली नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, मैं 110% रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।